देवगन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिनका एक शानदार फिल्मी सफर रहा है। लगभग 30 सालों से ज्यादा समय से वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और इस दौरान इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाए। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ अजय देवगन एक निर्माता निर्देशक भी हैं और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। भोला जो उनकी 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है, इस फिल्म के लिए अजय देवगन जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अजय देवगन को लेकर एक दिलचस्प किस्सा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये किस्सा उस जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है जिनका नाम रवीना टंडन था। रवीना टंडन वही है जिनके प्यार में अजय देवगन एक समय काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे और इन दोनों के लव अफेयर के किस्सों ने मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा लाइमलाइट भी बटोरी थी। रवीना टंडन 90 के दशक की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं और इन्होंने अपने हुसन और बेहतरीन अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में अपना अलग पहचान भी बनाई है। लेकिन इनका जब नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा तब काफी ज्यादा सुर्खियां भी छाई थी। अजय का रवीना के साथ लगाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे अक्षय के साथ भी रवीना के रिश्ते काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते, मगर आपको ये बताना चाहेंगे कि जब उनका नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा था तब काफी ज्यादा विवाद भी गहरा। बताया जाता है कि अक्षय के बाद रवीना का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा क्योंकि रवीना अकेली रह गई थी। अक्षय के साथ मिले धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ऐसे में अजय ने उन्हें संभाला था। अजय देवगन रवीना टंडन की जोड़ी दर्शकों के सामने फिल्म दिलवाले में नजर आई थी। दर्शकों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया था, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में नजदीकियां आई और बाद में ऐसी बातें हुई कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी बीच रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था। रवीना ने इस दौरान कहा था कि वह और अजय दोनों रिलेशनशिप में हैं। इतने नहीं, रवीना ने इस बात को भी कबूला था कि अजय ने उन्हें लव लेटर भी लिखे थे। रवीना के इस दावे से यह बात तो सामने आ गई थी कि उनके और अजय देवगन के बीच में अनबन चल रही थी। रवीना के इस व्यवहार के बारे में जब अजय को पता चला तो उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखते हुए नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इससे रवीना को एक बड़ा झटका लगा। मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए अजय देवगन ने बताया था कि वह ड्रामेबाज के साथ पैदाइश की झूठी भी है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि उस लड़की को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इसके साथ ही अजय देवगन ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि रवीना अजय की बहन नीलम की दोस्त थी और इसी वजह से उनका घर आना जाना लगा रहता था। तो ऐसे में दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां रवीना अजय को मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी किया था, तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन ने रवीना की मोहब्बत को स्वीकारा नहीं और इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हुए नकार दिया। फिलहाल अगर मौजूदा दौर की बात करें तो दोनों अपनी अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अजय देवगन ने बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री काजोल से शादी की है और वो दो बच्चों के पिता भी बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर रवीना ने बिजनेसमैन अनिल थडानी से दूसरी शादी की है क्योंकि अनिल थडानी पहले से शादीशुदा थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो भी हाल ही में रवीना टंडन नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज अर्नेक में ओटीटी की दुनिया में डेब्यू करने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन आने वाले समय में भोला फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक खुद अजय देवगन ही है। फिल्म में उनके अलावा तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, गजराज राव, विनीत कुमार जैसे शानदार कलाकार नजर आने वाले हैं। फिल्म के टीजर वीडियो को जमकर पसंद भी किया जा चुका है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है इस फिल्म की रिलीज डेट का।